कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इस सेक्शन में दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? एन एग्रीमेंट इसकी डेफिनेशन सबसे आसान है, छोटी है नहीं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है कि नहीं। सिर्फ जैसे हमने ये सारी चीज़ें बनाई है उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कोई भी एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब एनफोर्सिबिलिटी किस प्रकार से आएगी, ठीक है। एनफोर्सिबिलिटी कई प्रकार से आती है, जो एज पर द सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत दिया गया है, इसेंशियल्स दिया गया है, अगर उस इसेंशियल्स को पूरा करेगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है। एनफोर्सिबिलिटी कैसे आएगी, एनफोर्सिबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए? कुछ टर्म कंडीशन दिए गए होंगे ना एनफोर्सिबिलिटी के लिए, कि मस्ट बी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉन्सिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट ऑपरेटेड बार्ड बाई लॉ होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, इस एनफोर्सिबिलिटी के लिए जो सेक्शन 10 है उसका इसेंशियल्स होना आवश्यक है। एसी बंद कर दो, वो यहां पे रखा है, यहां पे है। अब इसमें देखिए, जैसे हमने देखा है ना कि यहाँ पर अगर हम लॉफुल कर दें, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम लॉफुल कर दें, लॉफुल, ठीक है, इसको भी लॉफुल कर दीजिए, ठीक है, तब जाके ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यानी अगर लॉफुल होगा, लॉ के अनुसार होगा, एनफोर्सिबिलिटी कब आएगी, किसी भी एग्रीमेंट की एनफोर्सिबिलिटी कब आएगी, लॉफुल होना चाहिए, और दूसरा एज पर द सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 10 में क्या दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके आवश्यक तत्व दिए गए हैं, ठीक है, इसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक। इसको आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब अगला देखिए, 2H के बाद क्या आता है, आई। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ
ऑप्शन डिजायर डिजायर ऑफ पार्टीज वन आर मोर वन आर मोर पार्टीज Not at option of, not at option, option of other than parties, other than parties. Not at option of other than parties is a voidable contract is a voidable contract अब इसमें क्या कह रहा है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें जाएंगी लॉफुलनेस होना चाहिए एज पर द सेक्शन 10 होना चाहिए एसेंशियल्स के अनुसार कंप्लीट होना चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ठीक है तो इसको एनफोर्सिबिलिटी को आगे एक्सप्लेन किया जाएगा लेकिन वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट हो ठीक है क्या होना चाहिए एनफोर्सेबल बाय लॉ तो होना ही चाहिए ठीक है लॉ तो होगा ही लेकिन क्या होगा एट द ऑप्शन और डिजायर ऑफ द वन आर मोर ऑफ द पार्टीज वन आर मोर ऑफ द पार्टीज का मतलब आप लोग समझ रहे हैं दो में से कोई भी आ सकता है ठीक है यानी वो केवल पार्टी के लिए ही है उसी की इच्छा पर रहेगा ऐसा नहीं कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसी व्यक्ति से और कहा कि हमारी पत्नी अगर परमिट करेगी तभी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा तो क्या ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता बिकॉज सी इज नॉट ए पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नाइदर एन एग्रीमेंट न तो वो पार्टी है और न वो एग्रीमेंट की पार्ट है ना तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है ना एग्रीमेंट की पार्टी है यानी कोई पार्टी नहीं है तो इसमें स्पेसिफिकली मना किया है नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर ऑफ द पार्टीज अदर देन पार्टीज यानी जो व्यक्ति जैसे मान लीजिए ए और बी संयुक्त रूप से सी से क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एग्रीमेंट करते हैं ठीक है इसमें एक कंडीशन लगा देता है कौन बी कंडीशन लगा देता है ठीक है ये बराबर के हिस्सेदार हैं ध्यान रखिएगा एग्रीमेंट में बराबर के हिस्सेदार हैं और बी एक कंडीशन लगा देता है कि नहीं ऐसा होगा तभी ये एनफोर्सेबल होगा ठीक है अब इस कंडीशन को लाफुल है ये तो पक्का है कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है लेकिन एक एट द ऑप्शन ऑफ बी अब वो कहता है कि नहीं हम तो ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे सी कहता है कि हमने तो ए के साथ किया था आपका ऑप्शन वैलिड नहीं है आपका ऑप्शन नहीं माना जाएगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसका ऑप्शन ना माना जाए हम देखिए दो चीजें कहे हैं जैसे मान लीजिए ए और बी संयुक्त रूप में ए और बी संयुक्त रूप में एक एग्रीमेंट करते हैं यानी संयुक्त रूप का मतलब बराबर के हिस्सेदार हैं बराबर हैं एज ए कॉम्पिटेंट पार्टी दोनों हैं दोनों अपना अपना अधिकार रखते हैं बराबर का अधिकार रखते हैं एक कुछ नहीं बोलता लेकिन बी एक ऑप्शन लगा देता है कि इस एग्रीमेंट में इस कॉन्ट्रैक्ट में तभी एनफोर्सिबिलिटी आएगी जब ये क्या हो जाएगा ये कंडीशन हमारे ऑप्शन पे रहेगा कि मैं इसको एनफोर्सेबल उस ऑप्शन को अगर कंडीशन को पूरा होने पर ही एनफोर्सेबल होगा ठीक है तो वो क्या है पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है
ऐसा कोई जरूरी नहीं कि केवल ए और सी में ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यहाँ ए बी दो पार्टी हो सकती है, सी तीन पार्टी हो सकती है, ए डी हो सकता है और ई हो सकता है, इन लोगों के बीच यानी मोर देन वन पार्टीज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक से अधिक पार्टीज एक दूसरे के पक्ष में हो सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन ऑप्शन किसका रहेगा, केवल जो पार्टी है उन्हीं का ऑप्शन रहेगा, अदर किसी तीसरे व्यक्ति का, जैसे एफ यहाँ से चिल्ला रहा है कि नहीं मेरा ऑप्शन चलेगा, मैं इनका रिलेटिव हूँ, मैं इनका रिश्तेदार हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ, तभी आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल माना जाएगा, तो ऐसा हो सकता है नहीं, अदर देन पार्टीज परमिटेड नहीं है, कोई कंडीशन कोई ऑप्शन नहीं रहता दूसरे पार्टी को, केवल उसी व्यक्ति को रहेगा जो एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट का पार्टीज होगा, ठीक है। तो वाइडेबल में एट द ऑप्शन ध्यान रखिए, दो शब्द वाइडेबल में केवल ध्यान रखना है, एट द ऑप्शन और मोर देन वन पार्टीज, ठीक है, यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है, और सारी चीजें यहां जैसे एज ए कॉन्ट्रैक्ट है उसके अनुसार ये भी आ जाएगा। एक और है वाइट कॉन्ट्रैक्ट भी याद निपटाई देते हैं, लेट तो किसी को नहीं हो रहा है, कहीं जाना है किसी को, एक एक है बस उसको निपटा दें वाइट कॉन्ट्रैक्ट, फिर हम लोग मंडे को जो मिलेंगे अलग से पढ़ाएंगे। क्या है, ठीक है ना, सेक्शन सही है ना, क्या है सेक्शन 2 2J, हाँ, ये क्या कहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस सीजेस, क्या सीज करता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, विच सीजेज एनफोर्सिबिलिटी, बिकम वाइट, बिकम वाइड, व्हेन इट सीजेस, व्हेन इट सीजेस एनफोर्सिबिलिटी, when it ceases enforceability, यानी एक contract which ceases, मतलब एक ऐसा contract जो किसी के या तो law के द्वारा या उस contract के द्वारा क्या करता है, किसी के अधिकार या उसके एनफोर्सिबिलिटी का अधिकार क्या करता है, सीज कर देता है, यानी उसको प्रतिबंधित कर देता है, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, वाइड होगा। जैसे आप लोग एक पढ़े होंगे
कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग आगे हो सकता पढ़े होंगे एक वो सेक्शन 29 है क्या, सेक्शन 29, यस 20 नहीं वो तो अनसर्टेनिटी है, शायद सेक्शन 28 है जिसमें कहा जाता है कि लीगल रेमेडी प्रतिबंधित की जाती है। आगे आप लोग पढ़ेंगे लीगल रेमेडी प्रतिबंधित की जाती है कि आपके साथ अगर कोई भी घटना होगी आप किसी भी कोर्ट के सामने नहीं जाओगे, लीगल रेमेडी जो है आपकी अवेल नहीं कर सकते हैं। 29 में शायद अनसर्टेनिटी की बात करता है, ठीक है। तो यानी अगर किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स को मना कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए हमारा फंडामेंटल राइट है कि मैं अगर किसी भी प्रकार से कोई मुझे निरुद्ध कर दे रहा है, ठीक है, कोई मुझे निरुद्ध कर दे रहा, एक पुलिस ऑफिसर है उससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है हमारा प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन उसने क्या किया, प्रोटेक्शन के साथ साथ कहा नहीं ऐसा है कि आपका जब चाहूंगा तब आपके अधिकार को सीज कर दूंगा, हाउस अरेस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है आपको हाउस अरेस्ट करने का पावर मुझे है, ठीक है। अब क्या होगा, यानी उस व्यक्ति ने, पुलिस पर्सनल ने हमसे ये सिक्योरिटी देने के आधार पर केवल ये एग्रीमेंट किया कि मैं जब चाहूंगा आपके फंडा मतलब आपके अधिकार को सीज करके आपको कैद कर सकता हूं सिक्योरिटी देने के नाम पर। तो अगर मान लीजिए वो व्यक्ति सिक्योरिटी देने के नाम पर हमारे साथ टर्म एंड कंडीशन रख दिया, ऐसा रख दिया जो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, ये हमारे संविधान में दिया गया है। तो अगर ऐसा होता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ किया है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, उसकी एनफोर्सिबिलिटी नहीं हो सकती, एनफोर्स नहीं करा सकता वो चाह के भी, ठीक है, और ना ही हम करा सकते हैं। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है अगर वाइड हो गया तो दोनों पार्टीज में से कोई कोर्ट के सामने क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने फला व्यक्ति के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था इसलिए कोर्ट ऑफ लॉ इसको एनफोर्स कराए। यानी जहां पर वो वाइड हुआ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से एनफोर्स नहीं करा सकता, ठीक है, शून्य करार कभी भी एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है, वैलिड जो करार रहेगा वही एनफोर्सेबल माना जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट में तीन आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड, वाइडेबल, वाइड, तीन तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब इसमें ये दो, एक तो एनफोर्सेबल होता है, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा एनफोर्स कराया जा सकता है, ये एट द डिजायर कुछ कंडीशन लगा दी जाती है जो एट द डिजायर ऑफ द पार्टीज डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टीज इसको एनफोर्स करा सकती है। और वाइड जो होता है वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता और एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 3, सेक्शन 4, और इसमें इलीगल जो होता है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।